पर जो शास से अगले दिन भी आए, जब मैंने बुलाया कि कल आपकी ले हैंडो की फॉर्म फिल करना, और इन्होंने फिर से शास से उस वचन को पूरा किया, और एक साल की इस शर्मिंदगी से, इन दोनों समस्याओं से, दोनों इस रोगों से अब इन्होंने छुटकारा पा लिया। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम अंजू है और जे मोदल गांव के रहने वाले हैं, और सिस्टर की गवाही जे जे बता रही कि एक साल हो गया है इनके गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा सोज रहती थी, और जे बता रही कि जिसके कारण जे लगातार ही एक साल से मेडिसिन खा रहे थे, और एक साल से इनको लूतों के भी प्रॉब्लम थी, और इसकी भी जे लगातार ही मेडिसिन खा रहे थे, जे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जे बता रहे कि इन्होंने थायराइड भी चेक कराया पर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पर सिर्फ इनके गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती थी, और जे बता रहे कि खाना खाते समय भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर जैसे जब रात के समय खाना खाते और जब सोते थे उस समय इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, इन्हें सही तरह से सांस नहीं आता, इन्हें घुटन महसूस होती थी, और जिसके कारण एक साल हो गया था कि जे गले की प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशान थे, और जे बता रहे कि इन्होंने एक डॉक्टर से नहीं, अलग अलग डॉक्टर से इन्होंने मेडिसिन खाई थी गले की, पर जे बता रहे ना तो स्वेलिंग सही हो रही थी, और ना ही रात के समय जो इन्हें सांस बहुत ज़्यादा लेने में प्रॉब्लम आती ना तो वो सही हो रही थी, क्योंकि जे सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और जो कि इनकी लूतों की प्रॉब्लम थी उससे भी जे बहुत परेशान थे, पूरे शरीर पर इनकी लूतों की प्रॉब्लम थी। जब बता रहे कि इसकी भी जे मेडिसिन खा रहे थे, जब बता रहे कि बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम के कारण इनके शरीर में खारिश होती थी, जलन होती थी, और जब बता रहे कि जिसके कारण जे गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे, जे बता रहे कि जैसे जे मीटिंग को अटेंड करते थे, जे भी मास प्रेयर को रिसीव करते थे विश्वास से, और जे बता रहे कि जे धन्यवाद देते कि परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से सही कर चुके, पर जे बता रहे कि जैसे जब ज़्यादा प्रॉब्लम आती, गले में ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती, फिर इन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती थी, और जे बता रहे कि बिना मेडिसिन से जे बिल्कुल नहीं रह सकते थे, क्योंकि गले में इतनी ज़्यादा सोज होती थी, और रात के समय इन्हें बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आती थी, घुटन महसूस होती, नींद नहीं आती थी, जिसके कारण जे सिस्टर बहुत परेशान थे। और जे बता रहे कि जैसे फिर परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड आया कि जिनकी जो भी समस्याएँ प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, वो वेडनेसडे की और वेडनेसडे की मीटिंग को अटेंड करे, और इस सिस्टर ने भी 2 अक्टूबर की मीटिंग को अटेंड किया, और विश्वास से जो वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिए, जिनकी जो भी प्रॉब्लम थी उस पर परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हर एक को वचन बताया कि अपनी अपनी प्रार्थना में इस वचन से प्रेयर करनी है, और जो बताया गया कि आपने कल थर्सडे की मीटिंग को अटेंड करना है और आपके लिए ले एंड प्रार्थना होगी। फिर जैसे इन्होंने विश्वास से इन्होंने सेकंड मीटिंग भी अटेंड की थर्सडे की, और उस दिन इन पर ले एंड प्रेयर हुई। अभी हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। In the name of Jesus, चल शैतान पूरी तरह से छोड़, छोड़ उसके गर्दन को, छोड़ उसके गर्दन को, शक्ति से खुदावन सारा रोग छट से उखड़े जी। सिस्टर बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई, और जो बता रहे कि जब रात के समय जो खाना खाते थे और उसके बाद इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी, घुटन महसूस होती थी, नींद नहीं आती थी, जो बता रहे कि ले एंड होने के बाद 2 दिन बाद ही परमेश्वर ने इन्हें इस प्रॉब्लम से पूरी तरह फ्री कर दिया। अभी जो बता रहे कि रात के समय जो सोते इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो इनके गले में बहुत ज़्यादा सोज थी वो भी पूरी तरह से सही हो चुकी है,
और जो इनके शरीर पर लूतों की प्रॉब्लम थी, खारिश होती थी, जलन रहती थी, जे बतारे के सारी प्रॉब्लम से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा आज पूरी तरह इन्हें फ्री कर दिया है। इस गवाही के लिए जे परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते। ये दोनों समस्याएं जो गले की है और जो लूतों की है, कितने कितने टाइम से थी? एक साल से। दोनों ही? जी, एक साल से। हाँ, माइक तो जैमसी की। ये दोनों गले की और ये लूतों की जो बीमारी है, वो एक साल से दोनों की फिर मेडिसिन खाते थे? हाँ जी पापा जी। कितनी ट्यूब्स वगैरह क्रीम यूज की इसके लिए? बहुत ज्यादा पापा जी। बहुत कुछ किया? हाँ जी। पर छुटकारा नहीं मिला? नहीं। एक साल हो गया। आपको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया? इतने आया नु तनु कितना टाइम हो गया? एक महीना। अभी एक महीना हुआ है। आप विश्वास किसे कितने समय से करते हो? कितना चेर हो गया तनु विश्वास कर दिया? दो साल हो गया। दो साल से विश्वास करती हो ना? तो तुम सोच लो कि पूरी बॉडी पर वो लूती होती है, और जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो उस स्किन पर खारिश होती है, जलन होती होती है कि नहीं होती? हाँ, क्योंकि लूतों के कारण जब गर्मियां आती है ना, तो उसे पसीना आता है, तो फिर और उससे खारिश होती है, जलन होती है, और बंदा बड़ा परेशान होता है। परेशान थे कि नहीं? ऊपर से स्किन की समस्या और ऊपर से गले की, क्योंकि गला इनका पूरा सूजा हुआ था। अभी आपने उस लेहन क्लिप में देखा ना, इसे गला फूला हुआ था। क्या था बोलो? गला फूला हुआ था पूरा इनका ऊपर ऐसे, और उसकी भी ये लगातार मेडिसिन खा रहे थे। जब खाना खाते तो दिक्कत होती थी? नहीं पापा जी। मैंने खाना खाते समय दिक्कत नहीं होती थी, पर रात के समय क्या होता था? रात के समय जब सोती है ना, तो कर दिया थे गले नू ना सांस नहीं लेंदी। हां, जब तो हल्का सा भी गला बेंड करते थे अपनी गर्दन को, तो सांस नहीं आती थी। जब बंदे को सांस ना आए तो वैसे डर जाता है। बोलो क्या है? अगर किसी को सांस ना आए तो वैसे डर जाता है ना वो। तो ये एक साल से इन दोनों समस्याओं से पीड़ित थे और परेशान थे। पर हुआ क्या? फिर वही चीज कि जो वचन ऊपर से आता है वो परमेश्वर का बेहद ठहर कर मेरे पास। अब वो आया वचन ऊपर से कि बुधवार की मीटिंग को जो लोग भी जिनकी भी जो समस्याएं हैं उन्होंने पहुंचना है। तो ये भी विश्वास से आई। जब आए तो उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा कि अभी आज तो आपको सिखाया गया है, कल सबकी ले हैंड होगी, फॉर्म फिल कराना। क्या कराना बोलो? क्या होता है कि कई बार अगर कोई शरीर में तो वो कहेगा नहीं, कल तो नहीं मैं आ सकती, कल तो मैं, अगर हो सकता है ये भी अपनी बुद्धि लगाते, सोच लगाते कि नहीं कल मैं कैसे आऊं, कल तो मुझे काम है, आज ही मैंने मुश्किल से छुट्टी ली है तो कल नहीं आ सकती। पर जो सांस से अगले दिन भी आए, जब मैंने बुलाया कि कल आपकी ले हैंड होगी, फॉर्म फिल करना, और इन्होंने फिर से विश्वास से उस वचन को पूरा किया, और एक साल की इस शर्मिंदगी से, इन दोनों समस्याओं से, दोनों इस रोगों से अब इन्होंने छुटकारा पा लिया है। अच्छी बात है ना? एक साल से ये पीड़ित थे, एक साल से परेशान थे, कितनी मेडिसिन खा रहे थे, कितना परेशान थे, पर दो दिन वचन को पूरा करने से आज आपके सामने है। बोलो कि आज आपके, आज कितने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए तनु ठीक होए? पापा जी मैं उसे वाले ठीक हो गई। हाँ, उसे दिन तो ठीक हो गए। जैसे बुधवार आए 2 तारीख को और 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को ले हैंड हुई, और उसके उसी दिन ये लूतों की जो दाग पड़े थे, वो दाग भी पड़े थे कि कैसे थे? दाग भी थे। हाँ, पूरी बॉडी पर थी। हाँ जी पापा जी, छोटे छोटे दाने हैं दे। छोटे छोटे दाने थे पूरी बॉडी। इसकी आपने पिक वगैरह नहीं कोई ली? कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं रखा? क्यों पापा जी? वो इसलिए क्योंकि वो दाग जब सिर्फ रह जाते थे, और वो पानी से जब भरते वो ठीक हो जाते कभी अपने आप ही। उस दिन बिल्कुल नहीं थे, खारिश हो जाती थी, अपने आप होते सही हो जाते, ऐसे प्रॉब्लम थी। ऐसी प्रॉब्लम, पानी भरता था फिर भी, तो जिस समय भरता था फिर रखना था ना, ताकि पता चलना चाहिए
ये कितना परेशान थे, पर आज कितने दिन हो गए हैं, आज कितनी तारीख है, 27, मतलब एक महीना हो गया लगभग पूरा। बोलो क्या हो गया, एक महीना हो गया है, अभी कोई गले में दर्द नहीं, कोई सोने रात के समय सोते समय आपको कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं, वो लूतों की फिर दोबारा कभी समस्या नहीं आई, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी है, पाप का प्रभाव है, और परमेश्वर अपना स्वर्ग से वचन देकर क्या करता है, तोड़ता है उसे, और देखो टूट गए, आज ये आपके सामने और बिल्कुल फ्री है। तारीफ करो, होके नस गए ने, जोर से तारीफ करो, हाथों को उठाकर, होके नस गए ने, सब आंसू को उठाकर, छुले आए जदों दा, यसु ने छुले आए जदों दा।